हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आरटीयू के कुछ नोटिफिकेशन से मालूम चला है कि आरटीयू अब अपने अपकमिंग मिड टर्म्स ड्यू टू दिस लॉकडाउन मींस सेकंड मिड टर्म ऑनलाइन लेने जा रहा है गूगल क्लासरूम की हेल्प से, तो हमें ये जानना जरूरी है कि गूगल क्लासरूम की हेल्प से हम ऑनलाइन मिड टर्म किस तरह से अरेंज करते हैं। चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस। सबसे पहले हमें classroom.google.com URL एंटर करना है, जिससे कि हम अपने Google Classroom के डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। याद रहे, ये Google Classroom का जब भी आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये आपकी किसी न किसी Google अकाउंट या Gmail अकाउंट से साइन इन होगी। और ध्यान रहे, जिस अकाउंट से आपने अभी तक स्टूडेंट से Google Classroom में डॉक्यूमेंट शेयर किया है, आप वही ID यूज करें। जैसे कि मैंने अपने इस अकाउंट से गूगल क्लासरूम्स ये बनाए थे और सारे टीचर्स सीएस डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट्स के इसी क्लासरूम हेल्प से स्टूडेंट को मटेरियल शेयर करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि गूगल क्लासरूम की एक डमी क्लास बनाते हैं, उसके बाद उस डमी क्लास पर हम कैसे मिड टर्म का ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मैंने एक नई क्लास क्रिएट करने का ऑप्शन चूज किया है। टर्म्स एंड कंडीशन मैंने एक्सेप्ट कर लिए, तो क्लास का नाम मेरा है डमी टेस्ट। मैं यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। जैसे ही क्रिएट कर दूंगा, मेरे डैशबोर्ड पर मुझे डमी टेस्ट नाम की क्लास विजिबल हो जाएगी। देखिए, डमी टेस्ट नाम की क्लास मुझे विजिबल हो चुकी है। अब ये 7-digit कोड, जैसा कि हम जानते हैं, इस 7-digit कोड को मैं कॉपी कर जिस स्टूडेंट को मुझे ज्वाइन कराना है, मुझे उस स्टूडेंट को एक कोड बताना होगा। हालांकि एक सब काम हम कर चुके हैं, फिर भी क्योंकि हमें ये एक डमी प्रोसेस देखना है, तो मैंने इस डमी प्रोसेस के लिए अपने एक दूसरे ब्राउजर में एक दूसरे ईमेल आईडी से इस एक मुकेश कुमार नाम का डमी स्टूडेंट बनाया है और मुझे इस मुकेश कुमार नाम के डमी स्टूडेंट पर सारे प्रोसेस अप्लाई करने हैं। तो देखिए, मैंने इसको एज ए ज्वाइन क्लास कराई उस 7-digit क्लास से जो हमने डमी टेस्ट के नाम से बनाई थी। तो जैसे ही मैं इस मुकेश नाम के स्टूडेंट को ज्वाइन कराता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये मुकेश नाम का स्टूडेंट इस डमी टेस्ट क्लास में ऐड हो चुका है। तो मैं वापस से अपनी टीचर वाली क्लास में चलता हूँ। मैं टीचर वाली क्लास में आ गया हूँ और अपने पीपल पे जाके मैं देखता हूँ तो मुझे मुकेश कुमार नाम का स्टूडेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ क्लास वर्क पर। अब जैसे कि मुझे अपना गूगल क्लासरूम पे एक ऑनलाइन मिड टर्म कराना है, तो मैं यहाँ क्रिएट के ऑप्शन पर जाऊंगा और मुझे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, रियूज पोस्ट। तो अभी कई क्वेश्चन ऐसे होंगे कई लोगों के कि ये हम ये क्वेश्चन वाला ऑप्शन क्यों नहीं चूज कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्वेश्चंस नाम का ये जो ऑप्शन है, मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट टाइप करना होगा और यहाँ पे आपको बच्चों से आस्क करना होगा। तो स्टूडेंट को यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करके देना होगा। हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कुछ भी स्टूडेंट से आंसर लेने का। बट हमें चूज करना होगा असाइनमेंट, क्योंकि आरटीयू के अकॉर्डिंग हमें स्टूडेंट से अगर मिड टर्म लेना है तो हमें उससे जो भी हम उससे पेपर असाइन करेंगे उसका हमें हैंड रिटन प्रूफ होना चाहिए कि स्टूडेंट जो भी बुक से जो भी पेपर कॉपी में करेगा, एक रजिस्टर के मिडिल पेज पे जो अपना आंसर लिखेगा वो स्कैन करके हमें इस असाइनमेंट वाले पेज पर अपलोड करेगा। देखते हैं किस तरह अपलोड करेगा। तो ये मैंने मिड टर्म का नाम दे दिया है, टाइटल DIP। DIP मिड टर्म, मैंने सेकंड मिड टर्म में एग्जांपल लिया है। DIP एक सब्जेक्ट है, एग्जाम CS का। इंस्ट्रक्शन मैंने दे दिया है टाइम 90 मिनट्स। ओके, तो मैंने ये डमी टेस्ट नाम की क्लास के लिए यह भी मिड टर्म में तैयार कर रहा हूँ जो मुझे ग्रेड देनी है। अभी मैं 50 नंबर्स का पेपर बना देता हूँ। ये ड्यू डेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्त, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस पूरे गूगल क्लासरूम में। तो जैसे कि मुझे अपना कोई एग्जाम है, ये आज की तारीख में, आज 14 है, 14 के अंदर ये रात को 11:59 तक मुझे ये पेपर, ये मिड टर्म एक्टिव रखना है। तो जैसे ही 15 तारीख को रात को 12 बजेंगे, ये जो मेरा मिड टर्म मैंने क्रिएट किया है ये मेरा डीएक्टिव हो जाएगा, मतलब स्टूडेंट इसको नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो अभी मैं इस को अभी मान के चलता हूँ। तो अगर हम यहाँ से सपोज कीजिए 16 तारीख से मिड टर्म स्टार्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे 16 पे क्लिक कर दूंगा और रात को 11:59 तक बच्चे को ये पेपर देना है।
ठीक है। अब मैं यहाँ से कोई एक क्वेश्चन पेपर जो हमें बनाने हैं, मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड करूँगा। अभी मेरे पास कोई क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, तो मैं अभी एक डमी फाइल अपलोड कर देता हूँ। अब मुझे 4 सेट अपलोड करना है, तो मैं आपसे ऐड मोर करके यहाँ पे मैं 4 फाइल अभी अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा पेपर अपलोड हो चुका है, मेरा पेपर अभी अपलोड हो चुका है यहाँ पे। तो आप चाहते हैं यहाँ पे स्टूडेंट को राइट देना व्यू एंड एडिट, तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन भी है, बट हमें स्टूडेंट को खाली व्यू देना है। अब मुझे स्टूडेंट को असाइन कर देना है। असाइन करने के लिए ये जो बटन है असाइन का, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये डमी क्लास का स्टूडेंट को असाइन हो चुका है। डमी क्लास में हमारे अभी एक स्टूडेंट है मुकेश। तो जैसे ही मैं वापस से अब मेरे गूगल माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो स्ट्रीम में अगर मैं चेक करता हूँ रिफ्रेश करने के बाद, तो मुझे मिलता है कि सौरभ शर्मा ने एक नया असाइनमेंट पोस्ट किया है। देखिए, सौरभ शर्मा पोस्टेड अ न्यू असाइनमेंट DIP सेकेंड मिड टर्म। देखिए इसका ड्यू लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे 16 अप्रैल को, आप 11:59 तक कर सकते हैं। 50 नंबर का ये पेपर है, ये पेपर आ गया है, इसको आप पेपर माने एक तरह से अभी। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये RTU का मिड टर्म है, तो हमें स्टूडेंट से रिटर्न में प्रूफ लेना है। तो स्टूडेंट को एक पेपर पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आंसर लिखने हैं, क्योंकि ये ओपन बुक टेस्ट है, तो स्टूडेंट किसी बुक की हेल्प ले सकता है, वो किसी भी तरह सॉल्व कर सकता है, बट उसे एक पेपर पे सब आंसर लिखने हैं। और आंसर लिखने के बाद उसे कैम स्कैनर या WPS ऑफिस या किसी भी अच्छे स्कैनर से स्कैन कर स्टूडेंट को यहाँ हमें अटैच करना है एज ए फाइल। तो मैं अगर यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे देखा है कि स्टूडेंट को, जैसे कि मैं सपोज करता हूँ ये एक फाइल अपलोड कर देता हूँ, ये एक तरह से कॉपी है, मुकेश कुमार की कॉपी अपलोड हो रही है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कॉपी वर्क जा रही है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक बार इस पेज पे आके देखिए, जैसे ही मैं अभी मैं स्टूडेंट वाले पेज पे नहीं, टीचर वाले पेज पे हूँ, ये जो टेस्ट था मेरा, ये एक स्टूडेंट मुकेश कुमार को असाइन हो चुका है। देख सकते हैं अपन, ये इसको असाइन हो चुका है। अब मैं आता हूँ स्टूडेंट वाले पेज पर, स्टूडेंट ने इस पेपर को कंप्लीट कर लिया है बट अभी तक सबमिट नहीं किया है, सबमिट नहीं किया है, इसने अपना जो आंसर है अब रिस्पॉन्स अपलोड कर दिया है। जैसे स्टूडेंट टर्न इन पे क्लिक करेगा और ओके करेगा, यहाँ पे स्टूडेंट का पेपर सबमिट हो जाएगा, स्टूडेंट का पेपर सबमिट हो जाएगा। और वापस से जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मेरी स्ट्रीम के अंदर एज ए टीचर की, तो मैं देखता हूँ कि ये जो DIP सेकेंड मिड टर्म है, अब मैं देखता हूँ टर्न इन हो चुका है। देखिए स्टूडेंट ने जैसे ही इसे कंप्लीट किया, यहाँ पे टर्न इन हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे असाइनमेंट देखना है, मैंने व्यू असाइनमेंट पे क्लिक किया, मैं यहाँ से अब इसकी कॉपी डीपली देख सकता हूँ, पूरी कॉपी देखने के यहाँ पे मेरे पास ऑफर है। मैं पूरी कॉपी यहाँ बच्चे की देख सकता हूँ, मैं बच्चे की कॉपी डाउनलोड कर सकता हूँ मुझे यहाँ से ही, और मैं यहीं से उस स्टूडेंट को मार्क्स भी असाइन कर सकता हूँ। मैंने बच्चे को मार्क्स दे दिए, सपोज मैंने 35 मार्क्स दिए, तो अब इस स्टूडेंट को, मुकेश कुमार के स्टूडेंट को DIP सेकेंड मिड टर्म में 35 मार्क्स मिल चुके हैं आउट ऑफ 50। तो इस तरह से एक प्रोसेस पूरा होता है कि स्टूडेंट को किस तरह से हम पेपर असाइन करते हैं। बस टाइमिंग का याद ध्यान रहे थोड़ा, तो ये काम इजीली सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।